और स्वागत करें किशन हरक सिंह रावत जी सर, उनका दिवस आपका। मैं निवेदन करूंगा, आप निवेदन करूंगा मैं हरक सिंह रावत जी से और किशन सिंह जी से, हमारे माननीय सचदेवा जी का स्वागत करें। मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और सचदेवा साहब से निवेदन करूंगा दो शब्द बहुत ही शीघ्र में, और मैं सबको पता है उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। तालियों से स्वागत करें, बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्कृष्ट। मैं चाहूंगा एक फोटोग्राफ उनका और दो सब। देवभूमि उत्तराखंड की से माफी चाहता हूँ और चाहूंगा कि वो जल्दी आके अपना लोक संगीत शुरू करें। हो इस बात की है कि मेरे अपने घर में ये मेरा पूरा परिवार जिस उससे और जो नई पीढ़ी में देख रहा हूँ, क्योंकि ये त्योहार देता हूँ। उधर भाई का बुलाओ, पिछले 10 साल में जो एक बड़ा परिवर्तन हमारे समाज, होली मत खेलिए, पानी की बर्बादी होती है, मतलब हमारी संस्कृति नष्ट हो, हमारी संस्कृति के बारे में हमारी नई पीढ़ी न जाने। जो त्यौहार भगवान श्री कृष्ण से शिव और राम मनाते रहे हैं वो हमारे बच्चे ना मनाए, ये ज्ञान देने वाले। आइए अंदर भाई, इतना अच्छा गा रहे थे, मैंने रोका आपको। तो ये ज्ञान देने वाले अब इस टीवी पे नहीं दिखाई देते, अब हर तरफ उत्साह दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है, उमंग दिखाई देती है। ये ताकत है उस सरकार की जो आपकी संस्कृति की धरोहर है, आपको दिखाई देती है, नहीं बैठता है। बाबा को होली की बहुत शुभकामनाएं, स्वागत। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत बधाई। ये रंग उमंग कहा आपके जीवन में बना रहे, इसी तरह से आप प्रफुल्लित रहे, खुश रहे। बोले देवभूमि उत्तराखंड की। हमारे बीच में मेहरोलिया जी जो हमारे विधायक है, हमने बहुत निवेदन किया उनसे, बहुत बहुमूल्य समय निकाल के हमारे मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी जो यहाँ के विधायक हैं, श्री मेहरोलिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं श्री पूरन कांडपाल जी से निवेदन करूँगा कि वो उनका स्वागत करें माला से और टोपी से, जोरदार तालियों के साथ। हमारे किरण बटोला जी हमारे साथ है, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, बहुत ही यहाँ की डायनेमिक पर्सनैलिटी, वो भी बहुत फेमस है, लेडीज में बहुत काम कर रही है यहाँ के लिए। मैं दो सब चाहूंगा मेहरोलिया जी, आप दो सुनो सुनो सुनो, एक बार चाहूंगा कि इंदर आने के लिए जोरदार ताली बजाना, जोरदार तालियां। और मेरे कहने से ये दो लाइन सुना रहे, उसको करना पड़ेगा सर। हाय हाय चुनरी तेरी चमकेगी गुलाबी सरारा, अरे चुनरी तेरी चमकेगी गुलाबी सरारा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत क्योंकि ये गुलाबी सरारा भी। हाँ ये मैं बताना, मैं क्षमा चाहूंगा, उत्तराखंड के सह प्रभारी है हमारे, तालियों से जोरदार श्री मेहरोलिया जी एक बार जोरदार। और एक बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप सबके और हम सबके घरों के अंदर खुशियों के रंग हमेशा महकते रहें, हर तरफ खुशियों के रंग बिखरते रहें। और क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम में इतने शानदार कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी आलिया जी गा रहे थे, इतना शानदार सुनाना चाहूँगा। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल होता माफ कर सके, झूठ से बचे रहे सच कदम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति दे। शिवदत्त पंत जी की तरफ से मैं पंडित गोसाई आपका स्वागत करता हूँ।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ क्या कर रहे हैं भैया? कि हमारे बीच में बड़े बड़े गायक कलाकार तो आए हैं, लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े हमारे बीच में म्यूजिशियन भी आए हैं, और जिनके म्यूजिक पे आप थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनका भी परिचय हो, और जितनी तालियां आपने हमारे गायक कलाकारों के लिए बजाई उतना ही सम्मान हमारे म्यूजिक को मिलना चाहिए। मैं पहले हुड़का हमारे उत्तराखंड का एक ऐसा साज है, कई क्षेत्र में देवी देवताओं का आह्वान भी किया जाता है, और आज इस मंच पर में हुड़का बहुत ही मान्य है। तो हुड़के पे हमारे बीच में हमारे बड़े भाई महादेव जी, तालियां उनके लिए जरा जोरदार हो जाए भाई। उनके बाजू में ऑक्टोपैड पे हैं, इंटरनेशनल ऑक्टोपैड वादक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंटरनेशनल कि हमारे अरुण तिवारी भाई ने देशों विदेशों की यात्रा करी है संगीत लाइन में, और आज अपने पहाड़ को रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में जाकर ऑक्टोपैड पे, आज भाई अरुण तिवारी। उनके बाजू में कित लोक गायक कलाकार, उत्तराखंड के स्तंभ गायक कलाकार श्री जगदीश बकरोला जी के सुपुत्र आज हमारे साथ में बैठे हैं तबले पर, भाई मुकेश बकरोला, ताली जोरदार। और इसकी मैं क्या तारीफ करूं, इन्होंने भी देशों विदेशों के टूर लगाए हैं और अपने ढोलक की थाप पे बड़े बड़े संगीतकारों को, बड़े बड़े गायक कलाकारों को झुमाया है, नचाया है, और सबसे बड़ी बात कि श्री सुब्रत पंत जी के सुपुत्र हैं, तो तालियां तो बनती है भाई एक बार जोरदार। और आज संगीत की दुनिया के बादशाह जिन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी, पंजाबी, न जाने कितने ही सैकड़ों एल्बमों में संगीत दिया है, और नीचे से आए गायक कलाकारों को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, यहाँ हमारे आदरणीय उत्तराखंड की शान बहुत ही सम्मानित संगीतकार भाई मोती शाहरी के लिए तालियां जोरदार। चलिए दीपा, तालियां दीपा जी के लिए जरा जोरदार। प्यार है, नमस्कार, और धन्यवाद करना चाहती हूँ उत्तराखंड के भूमि विकास संगठन का जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया है। और ज्यादा नहीं बोलते हुए आपको ले चलती हूँ, संध्या का टाइम हो रहा है उस देव भूमि की ओर जहाँ पर साक्षात शंकर भगवान विराजमान है, तो आप सभी का साथ मुझे चाहिए गाने में।
क्या बात है, इधर से आप लोग भी इधर आ जाइए, तभी मजा आएगा। और ये गाना है मेरे साथ, ठीक है? हे बाबा शंभु भोले, हे बाबा शंभु भोले, thank you.
नाम बताइए तुझे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव पंत। अच्छा अभी होली पे क्या करने वाले लोग, क्या करने वाले बताइए। बस होली पे रंग ही रंग हो रहे हैं आज पूरे दिल्ली में और पूरे उत्तराखंड में, क्या पूरे भारत में ही रंगों का उत्सव मनाया जा रहा है। और खासतौर से दिल्ली में तो आजकल उत्तराखंडी कार्यक्रमों के माध्यम से, स्टेजों के माध्यम से पूरी दिल्ली में होली की धूम है। आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अच्छा अभी उत्तराखंड वासियों को क्या कहना चाहोगे इस बार होली के उपलक्ष्य में, कुछ कहना चाहेंगे आप? होलियाँ मनाइए धूमधाम से, हमारा ट्रेडिशनल त्यौहार है होली। और उत्तराखंड की तो वैसे भी होली बड़ी फेमस है, होली बैट होली कड़ी होली, आप सभी लोग इंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप क्या बोलेंगे बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं होली के बारे में बताइए, लोगों क्या कहना चाहते हैं? मजा करिए, मजा करिए और होली का त्यौहार। और क्या चाहे साथ में, और कुछ लेते हैं साथ में? बस सिद्ध से शुक्र शुक्र कर लें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल प्यार प्रेम से बनाए, फूलों से बनाए तो बढ़िया, ठीक है, रंगों से भी फूलों से, थैंक यू सो मच।